राम मंदिर को लेकर एक का आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ रमेश जी, और ये आंकड़ा एग्जिट पोल जो इस वक्त कह रहा है बस्तर संभाग की 12 सीटों के बारे में कह रहा है, बीजेपी को 3 से 7 मिलती है दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 5 से 9 सीटें दिखाई दे रही है, जबकि जेसीसीजे 0 पर समेटता दिखाई दे रहा है। ये आपको बता दें आदर्श के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। ये महत्वपूर्ण संभाग है, बस्तर संभाग की यदि बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण, कहते हैं कि यहां जो जीतता है वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। और ये जो एग्जिट पोल कह रहा है इस वक्त, हम आपको बता दें ताजा आंकड़े, जिसे बीजेपी को यहां पर 3 से 7 सीटें मिलती दिखा रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 5 से 9 और अदर्स के खाते में सिर्फ 1 जा रहे हैं। सनी बेहद महत्वपूर्ण है संभाग और दोनों ही दलों ने यहां पर ताकत झोंक दी। रास्ता बस्तर से जाता है, पिछली बार 11 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल आ रहा है इसमें जो आंकड़े आ रहे हैं 3 से 9 तक का जो आंकड़ा है वो आ रहा है कांग्रेस के लिए, तो कुछ आंकड़े बीजेपी के लिए भी आ रहे हैं। बस्तर से तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जहां पर उसे 5 से 9 मिल सकती है। यह अलग बात है कि पिछले बार के मुकाबले आंकड़ा घट गया यहां पर, लेकिन यहां से खुश होने की खबर सनी निकलकर आ रही है कांग्रेस के लिए। 5 से 9 सीटें उसको मिलते दिखा रहा है यह एग्जिट पोल, जबकि बीजेपी को 3 से 7 सीटें बता रहा है, बीजेपी को 3 से 7 सीटें बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी ने यहां पर, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां